हाम्रो आस्थालाई जसले चलाउँछ त्यो सकिन्छ। सबै नेपाली दाजुबहिनीको मेरै तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम गीत 3 का टीज़र ट्रेलर एंड सॉन्ग का रिएक्शन लेता था पब्लिक में जाके। तो जो है प्रेम गीत 3 सुपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं और भी नेपाली मूवी को ऐसे ही सपोर्ट करूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी का भी मैं सोच रहा हूँ कि अब करूँ, क्योंकि जो इंडियन सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि मैं हिंदी मूवी का भी ट्रेलर आता है उसका भी रिएक्शन करूँ। तो आज जो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है लाखे। जी हाँ, तो उसके जो एक्टर हैं सौगात मल्ला और अर्पण थापा इसके हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं उनका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 एंड स्टार्ट। OSR Digital, entertaining the nation. सौगात मल्ला तो यार उनकी एक्टिंग मुझे बहुत जबरदस्त लगती है, लूट मूवी में तो फाड़ दिया था। लाखे हाम्रो रक्षक हो, ओ हाम्रो आस्थालाई जसले चलाउँछ त्यो सकिन्छ। खतरनाक बन्दे हैं सौगात मल्ला। कुनै अज्ञात समूहले नेपाल प्रहरीलाई चुनौती दिइरहेको छ, यो केसको छिटो भन्दा छिटो रिजल्ट चाहियो। आजकल नेपाली फिल्म का लेवल बढ़ गया है बहुत ज्यादा। नंबर वन अंडरग्राउंड हैकर, ये कौन है अंग्रेज जैसा लग रहा है। रॉकी नको कारागार को एक्स स्नाइपर, ये प्रेम गीत में भी है बंदा। ये आगे अन्य अप्पा, इनका नाम है विक्रम करके है। अरुणपति दास को जोकर, तिनीहरू त गोटी मात्र हुन् चाल चलने। अनुप विक्रम इनका नाम है। सौगात मल्ला का लुक डिफरेंट है यार, ये क्या है। पहिला को काम लीगल थियो तर अब खतरा सम्म खेल्नु छ। खिलाड़ी हुँदैन, लुक क्या लुक है इनका, कुदाउने अर्कै खिलाड़ी पनि हुन्छ। भाई साहब खतरनाक है यार ये बंदा, इनका नाम बताना मुझे। तो पहले तो जानू नहीं उनसे। हमारे लाइफ फिर पहले से तो नॉर्मल होने सकता। पहले बंदा बेटर लाइफ हानी पर होने सकता। करना मूवी है भाई। बताओ यार लाखे भाई साहब खतरनाक मूवी होने वाली है। ओ क्या है रावण का क्या चीज है यार, ये बताना मुझे। सम्राट लाखे कार्तिक 11th, वाओ मजा आ गया यार। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त। यार जब से प्रेम गीत 3 देखी है ना, ऐसा लग रहा है कि ना आजकल सारे नेपाल के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने बजट बढ़ा दिया है फिल्मों का, मतलब पैसा लगाने लगे हैं अब वो। यार क्या यार, मतलब डायरेक्शन थी इस मूवी की, और इसमें जो आए थे ना वो दाढ़ी वाले, यार क्या लुक है भाई, उनको तो साउथ की फिल्में मिलने वाली है मेरे को लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है अंदर से। तो क्या खतरनाक लुक लग रहा है, बियर्ड देखो यार, हेयर मतलब वो वाइट वाइट से कर रखे हैं यार, क्या बात है यार। भाई साहब अब तो हर फिल्म आपकी नेपाली हिंदी में आना बनता है यार, क्योंकि डायरेक्शन मजा आ गया भाई। और क्या मतलब खर्चा किया हुआ है इन्होंने यार, और अलग अलग जगहों पे जाके शूट किया हुआ एक्शन सीन्स यार, खासकर यार मज़ा आ गया। अच्छा इसमें एक चीज़ मेरे को बड़ा एकदम चाइनीज़ फिल्मों में भी देखता हूँ, वो जो नकाब पहन के कुछ ऐसे थाली सी वो कर रहे थे, वो क्या कल्चर है क्या नेपाल का कोई, क्योंकि मैं तो गया हूँ काठमांडू पर मैंने ऐसा देखा नहीं कहीं पर मैं कई फिल्मों में देख चुका हूँ, चाइना में भी मैंने देखा ये, और कई भी और हिंदी फिल्मों में भी जो पहाड़ साइड में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा दिखाते हैं, ये कौन सा है मैं तुमको बताना यार। पर यार कुल मिला के यार लाखे मूवी सुपर हिट होने वाली है, और मैं तो यही कहता हूँ हाथ जोड़ के यार कि थोड़ा बहुत खर्चा और करो, इसको हिंदी में डब करो, और मैं तो कहता हूँ हर मूवी को करनी चाहिए। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसका नाला पानी, नाला पानी
वो यार देखो उसमें कितना खर्चा किया है। प्रेम गीत 3 का मतलब कई लोगों ने मुझे बोला, कंप्लेंट की थी कि प्रेम गीत 3 में जो 7 गांव दिखाया हुआ है लेकिन उसमें तो बंदे इतने कम होते हैं, कम थे, 25-30 लोग ही थे। वो एक कंप्लेंट आई थी। और नाला पानी में इतने सारे लोग मतलब दिखाए हुए हैं, हाथी इतने यूज़ किए उन्होंने यार। तो उसका मैंने सुना बजट उसका 8 करोड़ रुपए। तो मतलब कि अब ना इनको पता चल गया है कि हमारी मार्केट बड़ी हो सकती है अगर हम लोग उस पर काम करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लाखे मूवी फाइनली मुझे मतलब कि इसका ट्रेलर बड़ा पसंद आया, और जो इसका ओरिजिनल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और 2 दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है यार, मैंने सोचा आज बनाता हूँ, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो मैंने सोचा आज बना ही देता हूँ लाखे मूवी। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लाखे मूवी का रिएक्शन करो। तो यार भाई आपने बहुत अच्छा मुझे ट्रेलर बताया, मस्त मज़ा आ गया यार। ये फिल्म तो भाई हिंदी में आना बनता है यार, ये और नाला पानी हिंदी में लाओ डायरेक्टर साहब जो भी हैं इस मूवी के, क्योंकि दिख रहा है यार देखो टक्कर दे रहे हो यार आप बॉलीवुड को। यार बॉलीवुड के 100-150 करोड़ रुपये में फिल्म आ रही है, फ्लॉप हो रही है, आप लोग इतने कम पैसों में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहे हो यार, आपको करना चाहिए। और इसमें अनूप विक्रम भी है, मेरे को बड़ा सही लगा यार। और अनूप विक्रम की अभी जय शंभू फिल्म आई थी, उसमें विलन था वो, जो दाढ़ी वाले थे ना, वो उनका नाम क्या है यार, नाम नहीं पता मुझे, वो विलन थे उसमें। जय शंभू में बड़ा अच्छा एक्शन था लेकिन वो फिल्म शायद चली नहीं थी, लेकिन ये लाखी मूवी चलने वाली है। और सौगात मल्ला जी के बारे में हम क्या कहें यार, वो तो ग्रेट है। उनके जैसे एक्टिंग तो मेरे ख्याल रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं, उनके जैसे एक्टिंग कोई नहीं करता। मज़ा आता, लूट 2 देखी थी ना, तब से पसंद करता हूँ मैं सौगात मल्ला को। और इसमें यार वो भी होना चाहिए था यार, उनको दयांग राय, उनको भी होना चाहिए था यार, क्योंकि तो दयांग राय और उनका जो एक्टिंग का जो स्किल है ना, आपस में टक्कर होती है ना, मज़ा आया था देख के यार। तो यार सारा कुछ टोटली मिला के ये फिल्म तो सुपरहिट होने वाली है, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। और ऐसे मुझे प्यार करते रहे, मेरे वीडियोस को मुझे कमेंट करें, बताएं कि अब मुझे क्या क्या ऐड करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कि आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं मुझे वीडियो के अंदर और क्या ऐड करना है, या मुझे आप बता सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस मूवी का रिएक्शन करो या इसका ट्रेलर का सॉन्ग का, तो मैं वहाँ पर जाके मैं करूँगा। मेरी इंस्टा आईडी है IMRNSHA09, IMRNSHA09। तो बहुत सारा प्यार देना लाखे मूवी को। कब रिलीज़ हो रही है, 11 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है। हाँ तो यार ऐसे फिल्में बनाते रहे यार, मज़ा आ रहा है यार अब तो ना, मुझे खुद को मज़ा आ रही है। हिंदी में होता ना, अगर हिंदी में डब होके आता ना, तो मैं फिर से पब्लिक में जाके इसको रिएक्शन करवाता, क्योंकि अब ये नेपाली में मैं क्या दिखाऊँ लोगों को, है ना। और अब हिंदी में अगर आप ट्रेलर ले आते हैं तो मैं जाके पब्लिक में दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि कहाँ की मूवी लग रही है, वही सेम प्रेम गीत वाला, है ना। तो ठीक है, लगता है मुझे आएगी ये मूवी भी और आनी भी चाहिए। जो भी इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हिंदी में डब करवा लो, तो बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी मेरे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और भी बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो आप ना, जहाँ इतना प्यार दिया तो थोड़ा सा और कर दीजिए। और मिलते हैं अगले ऐसे रिएक्शन वीडियो के साथ, अच्छे से। जय नेपाल, जय भारत। Yeah, my skin like a